उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले वहाँ पर एक यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर एक माँ बेटी, प्रशासन के लोग बुलडोजर चलाए और सबने उसको देखा जलते हुए, माँ बेटी मर गई। इसी तरह वहाँ पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाति की जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले बलिया में किसी एक विवाद को लेकर के एक छात्र नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, उसको मार मार करके उसकी जान ले ली। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं, अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दाव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। योगी जी कह रहे थे कि माफिया खत्म कर देंगे, मिट्टी मिला देंगे। वो मेरे आमने सामने की बात है, वो मेरे आमने सामने और सदन की बात है। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें? मैं कहता हूँ बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या कानपुर में जिन अधिकारियों ने, जिस पुलिसकर्मियों ने, जिस प्रशासन के लोगों ने एक माँ बेटी की जान ले ली बुलडोजर से, जल जल करके मर गई पिता के सामने। मुझे कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? तो ये केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 100 में 4 बेरोजगार हैं, क्या भरोसा करोगे इस बात को? 100 में 4 बेरोजगार हैं। अति कह रहे हैं कि हमको तो मिट्टी में मिला दिया है। वो कुछ भी कहें लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है।